नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का, आप लोग का जो मेडिकल चला हुआ है उसके लाइव रिव्यू से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आज जिनसे हमने लाइव रिव्यू कवरेज किया है उससे सारी जानकारी हमने ली है, किस तरीके से मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं मेडिकल कंडक्ट कराने में, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी लाइव डाउट सीजन है। बाकी अब सारी जानकारी तो हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा ही देंगे, किस तरीके से मेडिकल हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर री मेडिकल से बचना है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले किस तरीके से मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है तो उससे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आप लोगों की एंट्री होगी, आप लोगों की जब एंट्री जिस समय कंडक्ट होगी उस समय आप लोगों को 10-10 के बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग की एंट्री होने वाली है एडमिट कार्ड और आप लोग को आइडेंटिटी जो है सर्टिफिकेट दिखाकर आप लोग की एंट्री वहाँ पर कराई जा रही है। उसके बाद आप लोगों को 10-10 के ग्रुप में जब बांट दिया जाता है तो आप लोगों को 10-10 के ग्रुप में ही मेडिकल होने वाला है। कुछ कुछ सेंटर्स में 30-30 के ग्रुप में मेडिकल हो रहा है तो कुछ कुछ में 10-10 के ग्रुप में मेडिकल हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों का जो भी कैंप होगा, किस तरीके से वो मेडिकल कंडक्ट करा रहा है और कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप बनाए जा रहे हैं। अब इसमें जो मेडिकल जो शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो आप लोगों को डीवी हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है डीवी से रिलेटेड हम आप लोगों को वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है। तो बिल्कुल वही स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं जो आप लोगों के और सेंटर्स में फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को एनएक्सएस 8 लेके जाना है उन कैंडिडेट को जिन्होंने भी हाइट में या चेस्ट में रिलैक्सेशन लिया है, और एनएक्सएस की बात करें तो आप लोगों का एससी का वो सर्टिफिकेट है। देखिए, एससी के लिए कोई आप लोगों का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए NSX 6 आप लोगों को बनवा के ले जाना है। और NSX 6 में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार के साइन करा के उस सर्टिफिकेट को बनवाना है। अब आगे बात करते हैं, तो आप लोगों को डीवी जब कंडक्ट करा लिया जाएगा उसके बाद अगर डीवी में किसी की प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी की प्रॉब्लम आती है तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर टाइम दिया जा रहा है और पहले से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाइएगा जिससे आप लोगों को ज़्यादा समस्या ना आए। तो जब आप लोग का डीवी कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर किसी को डीवी में प्रॉब्लम है तो उसके बावजूद भी उसका मेडिकल हो रहा है, ऐसा नहीं है उसी को वहीं से बाहर भेजा जा रहा है। मेडिकल सभी कैंडिडेट का हो रहा है जितने भी वहाँ जा रहे हैं, सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं। तो मेडिकल की बात करें, सबसे पहले मेडिकल में आप लोगों का होने वाला है आई चेकअप लिया जा रहा है। सभी सेंटर्स में सबसे पहले आई चेकअप लिया जा रहा है, लेकिन कुछ सेंटर्स के लाइव रिव्यूज देखा गया तो हॉस्पिटल जांच पहले कंडक्ट कराई जा रही थी, यानी बस में बैठाकर उनको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप लोगों की हॉस्पिटल जाँच हो रही थी जिसमें आप लोगों का यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे हो रहा था और किसी किसी में बाद में हो रहा है। तो कुछ लाइव कवरेज में हमने पहले बताया तो किसी में बाद में बताया, तो आप लोग वो समझ लीजिएगा। आई चेकअप की बात करें तो आई चेकअप में आप लोगों को पहले डिस्टेंस विजन टेस्ट चेक हो रहा है, उसके बाद कलर विजन टेस्ट चेक हो रहा है। कलर विजन में देखिए, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, मात्र 3 सेकंड मैक्सिमम दिए जा रहे हैं किसी पिक्चर को आप लोगों को फिगर करने के लिए, और उसमें आप लोगों को पेन के द्वारा जो भी आप लोग लाइनिंग है वो ड्रॉ करनी है और आप लोगों को नंबर्स लिखे होंगे, इस तरीके से नंबर्स लिखे होंगे उनके अंदर डॉट्स के अंदर, तो आप लोगों को पढ़ने हैं बहुत ईजिली तरीके से, आप लोग पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कलर विजन से इफेक्टेड नहीं है तो। अब आगे बात करते हैं, तो आगे नेक्स्ट प्रोसीजर हो रहा है तो आप लोग को ईयर चेक हो रहे हैं। ईयर चेक की बात करें तो आप लोग को ईयर साफ़ करके ले जाने हैं, लेंस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं ईयर, तो आप लोग को कान बिल्कुल साफ़ करके ले जाने हैं। वहाँ पर आप लोग कान के पर्दे चेक किए जा रहे हैं तो आप कानों को साफ़ करवा लीजिएगा और 1 हफ्ते पहले करवा लीजिएगा, ऐसा नहीं है 1-2 दिन पहले कराओ, 1 हफ्ते पहले आप लोग कान चेक करा लीजिएगा। आगे स्टेप की बात करें तो ईयर चेकअप के बाद आप लोग का नोज़ चेक हो रही है जिसमें आप लोग की नाक की हड्डियां कोई टूटी तो नहीं है या फिर कोई किसी की नाक की हड्डियां बढ़ जाती है तो वो चेक हो रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक हो रही है। अगर किसी को इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाइएगा। और नोज़ की हड्डी के आप लोगों का चेकअप हो रहा है, वो बता भी रहे हैं जिन जिन स्टेप पर आप लोगों को री मेडिकल मिल सकता है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आप लोगों को बता रहे हैं कि इस स्टेप में आप लोगों को मेडिकल री मेडिकल मिल सकता है, इस तरीके से आप लोगों को री मेडिकल कवर करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को वहाँ पर दी जा रही है। नोज चेकअप के बाद आप लोगों का कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट बॉडी चेकअप में देखिए नौकनी आप लोगों को चेक किया जा रहा है, एल्बो का आप लोगों का एंगल चेक किया जा रहा है, साथ में आप लोग के शरीर पर कहीं टैटू तो नहीं है वो चेक किया जा रहा है। और टैटू की बात करें तो टैटू सिर्फ आप लोगों को सल्यूट करते वक्त विजिबल नहीं होना चाहिए, बाकी अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से टैटू है जो आप लोगों को सल्यूट करते वक्त नहीं दिखता है तो आप लोग पास हो जाएंगे, फिट करार कर दी जाएंगे, आप लोगों को अनफिट नहीं किया जाएगा।
और आप लोगों का देखिए ये सब चेकअप होने के बाद आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, आप लोगों का टाइम, आप लोगों का रिपोर्ट, जो आप लोगों को रिपोर्ट मिलने वाली है क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई की, फिट या अनफिट की, वो आप लोगों को बाद में दी जा रही है। यानी आप लोगों को मिनिमम 2 से 3 दिन वहाँ पर मेडिकल में लग रहे हैं, किसी किसी सेंटर्स में 4 दिन भी लग रहे हैं पूरा मेडिकल कंडक्ट कराने में। तो आप लोगों को पहले से ही 2, 3 या 4 दिन की व्यवस्था करके जानी है वहाँ पर मेडिकल के लिए। तो और जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी बात करें तो मैक्सिमम 50% कैंडिडेट, यानी अगर किसी सेंटर में 100 कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम अभी तक 50 कैंडिडेट ही क्वालिफाई का आप लोगों का अभी तक स्टेटस आया है, और लेस देन 50 ही हो रहे हैं, किसी किसी सेंटर में 40-30 इस तरीके से क्वालिफाई हो रहे हैं। देखिए इससे ये नहीं कह सकते हम मेडिकल टफ है, रीमेडिकल मिल रहा है, कुछ पॉइंटों पर रीमेडिकल दिया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने फिट करार कर दिया जाएगा। और देखिए आप लोगों को पहले से ही बात करें, अभी आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग कोई ऑपरेशन मत कराइएगा, अभी ऑपरेशन कराएंगे तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं, और आप लोगों को कोई भी इस तरीके से वहाँ पर बहकाया जाए कि आप लोगों को हम क्वालिफाई करा देंगे, या फिर हम ब्रोकर से दलाल की बात करें तो आप लोगों को हम मिल रहे हैं, तो उनका आप लोग बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। वहाँ पर जो मेडिकल हो रहा है वो बिल्कुल ही पारदर्शिता बरती जा रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वे से आप लोगों का मेडिकल हो रहा है, किसी तरीके की घपलेबाजी नहीं हो रही है। और अगर आप लोग किसी इस तरीके के आप लोग फंसते हैं तो आप लोग क्वालिफाई होते हुए भी नॉट क्वालिफाई करार कर दिए जाएंगे अगर आप लोग पकड़े जाते हैं। तो अब आप लोगों का मेडिकल का लाइव कवरेज हमने करा दिया है, मेडिकल के बारे में बता दिया है, किस तरीके से मेडिकल कंडक्ट कराया जा रहा है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं हम मोस्टली कमेंट्स को देखते हैं। और देखिए मेडिकल सेंटर्स की लाइव कवरेज की बात करें तो मेडिकल सेंटर्स का लाइव कवरेज हमने आप लोगों को, जो भी हम आप लोगों को लाइव कवरेज दे रहे हैं मेडिकल सेंटर्स का, वो आप लोगों को SSC एग्जाम वॉरियर चैनल पर देखने को मिल रहा है, आप लोग देखते रहिएगा। और अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, डेली हमारी एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो ही जाती है मेडिकल से रिलेटेड। और देखिए रीमेडिकल का भी कोई सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं आया है, तो उसको हम आप लोग नहीं दिखा पाए अभी तक, जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों का रीमेडिकल का जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को शो करेंगे। अभी जो भी कैंडिडेट हैं, अभी देखिए अभी आप लोगों को मेडिकल जब से शुरू हुआ है उसमें आप लोगों को रीमेडिकल तो बहुत सारे कैंडिडेटों को मिला है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारा दोस्त यार अगर जिसको रीमेडिकल दे भी दिया हो, हम चाहते तो नहीं है किसी को रीमेडिकल मिले, अगर किसी को रीमेडिकल मिला है तो हम आप लोगों को पूरा कवरेज दिखाएंगे, उनसे बात भी कराएंगे क्यों उन्हें अनफिट करार किया गया था। वीडियो हम आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, उनका आप लोगों से लाइव कवरेज कराएंगे, जिनको भी आप लोग अनफिट कैंडिडेट हैं। देखिए आप फिट कैंडिडेट जो आप लोगों को जानकारियाँ देते हैं उनसे ज़्यादा अनफिट कैंडिडेट आप लोगों को ज़्यादा बेहतर जानकारियाँ दे सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कोई अनफिट कैंडिडेट हो जिनसे आप लोगों से बात हो जाए, जिससे आप लोग समझ सकें कि क्यों उन्हें अनफिट करार किया गया, क्या आप भी उस डिसीज़ से या फिर उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से बच सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में हमारी वीडियोज़ को आप लोग पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके SSC GD कॉन्स्टेबल के मेडिकल का। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।